अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे होम स्कूलिंग के हवाले से, जो शायद सबको ये फीडबैक मिलता है या एक रिस्पांस मिलता है व्हेन दे टॉक अबाउट होम स्कूलिंग विद एनीबडी। वेन एवर द क्वेश्चन अराइजेज इन देयर माइंड कि होम स्कूलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो एक जो कौन कंसिडर किया जाता है या एक आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट कंसिडर की जाती है, वो ये है कि बच्चा सोशलाइज कैसे करेगा। How will it be possible to provide that environment, that social environment to your child, जो एक स्कूल में किया जाता है जिसमें उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसके पेयर्स होते हैं, टीचर्स हैं और उसके क्लास फेलोज हैं जिनसे वो हर उस मिलता है, उनके साथ बैठता है, खेलता है और उनके साथ ग्रो करता है। तो वो इन्वायरमेंट आप कैसे प्रोवाइड कर सकेंगे अपने घर पर। सो दैट इज़ दी argument that most people who are proponents of conventional schooling, conventional method of schooling, वो ये throw करते हैं होम स्कूलर्स के ऊपर कि भाई आप बताएं फिर आप इसका कैसे alternate ढूंढेंगे। I wanted to discuss this argument क्योंकि it's something I've thought about a lot and social exposure मेरे लिए बहुत ज़्यादा important है। It's something that I have also tried to ingrain in my children, in my methodology of homeschooling to the highest degree possible। क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा learning ही आपकी social exposure से और socializing से होती है। Considering the fact that man is a social animal by definition, by nature, हमारे लिए social aspect जो हमारा है, social needs जो हमारी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बीइंग अ वुमन आई थिंक के औरतों के लिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज उनकी एक बायोलॉजिकल नीड भी होती है इमोशंस की और सोशलाइजिंग की, रिलेशनशिप्स की। तो व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस एंड आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि अच्छा इसका क्या ऑल्टरनेट हो सकता है और इस आर्ग्यूमेंट को आप कैसे कैटर किया जा सकता है। तो द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माई माइंड वॉज के वाओ, शायद किसी तरीके से ये किसी ने ना सोचा हो, लेकिन अगर कोई आप किसी से बात करते हैं कि जी होम स्कूलिंग के ये फ़ायदे हैं और आपके बच्चे इन इन चीज़ों से बचे रहेंगे और आप इन इन तरीक़ों से उनको और बेहतर तरह से उनकी पेरेंटिंग कर सकते हैं, उनकी नर्चरिंग कर सकते हैं, उनकी ग्रूमिंग कर सकते हैं, बट इफ़ दे से ओ व्हाट अबाउट सोशलाइजिंग, सो परहैप्स फर्स्टली व्हाट an analytical person will think is okay, so what you're trying to say is कि आप school भेज रहे socializing के लिए। so when you state के जी हम school भेज रहे हैं बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए, तो शायद वो इतना ज़्यादा अहमियत नहीं रखता जितना कि उसका social aspect रखता है। क्योंकि जब argument आपने throw करनी है कि भाई तालीम और तरबियत तो घर पर भी हो जाएगी, तो आपने ये socializing की argument throw करनी है किसी पर। तो पहली चीज़ तो ये एक आई ओपनिंग होनी चाहिए, स्पेशली उन लोगों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो समझते हैं कि वो एजुकेशन के लिए और ग्रूमिंग के लिए स्कूल्स को ऑप्ट कर रहे हैं एज द प्राइमरी मेथड ऑफ एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। बट इफ़ यू थिंक के प्राइमरी आर्ग्यूमेंट इसकी या प्राइमरी इसका रिस्पॉन्स ये है दैट अ चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू सोशलाइज एज मच एज दे डू इन द स्कूल, देन परहैप्स आपकी प्रायोरिटी वो नहीं है जो आप समझते हैं। आपकी प्रायोरिटी बच्चे की सोशलाइजिंग ज़्यादा है और वो सोशलाइजिंग अनफॉर्चुनेटली इस वजह से भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि माएँ इतनी ज़्यादा देर के लिए बच्चे को बच्चे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही होती हैं, वो खुद एग्जॉस्ट हो जाती हैं, वो खुद वो टाइम नहीं दे सक रही होती हैं जो एक बच्चा मांगता है। तो अगेन आई गेस द फॉल्ट दैट कम्स और द प्रॉब्लम दैट कम्स इज असेंशली इन अस, इन पेरेंट्स, कि हम वो नीड नहीं कैटर कर सक रहे, कि हम किसी और सोर्स को ढूंढ रहे हैं इस चीज़ के लिए कि भाई हमसे तो नहीं हो रहा, आप ये कर लें। तो पहली चीज़ तो ये है, शायद हमें सोचनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, बहुत ज़रूरी है कि वी रियली बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स एंड थिंक अबाउट इट, बिकॉज देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि एक बहुत मशहूर सेइंग भी है पेरेंटिंग की, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, इट इज़ नॉट अ मॉम ओनली जॉब। ये बहुत बड़ा एक मिसपरसेप्शन है, बहुत बड़ा मिसपरसेप्शन है, क्योंकि अगर वो माँ के पास रहता है, नेचुरली माँ भी एक इंसान है, उसकी भी नीड्स हैं, उसको भी टाइम चाहिए होगा, वो जो फिर इमोशनल आउटबर्स्ट हैं वो बच्चे पे आएंगे और उसके बेहतरी के बजाय उसके नेगेटिव ग्रूमिंग होना शुरू हो जाएगी और उसके नेगेटिव इमोशन सारे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे माँ से बच्चे पर। तो इट डज टेक अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, यू नीड पीपल अराउंड यू, यू नीड द सोशल सपोर्ट टू हेल्प यू थ्रू द प्रोसेस, लेकिन इफ़ यू वॉन्ट अ नेचुरल चाइल्ड विद ऑल द नेचुरल टैलेंट्स एंड स्ट्रेंथ्स एंड एवरीथिंग दैट नेचर इज़ देयर टू प्रोवाइड फॉर आर चाइल्ड एंड फॉर अस, वी ऑल्सो नीड टू गो थ्रू द नेचुरल प्रोसेस टू अचीव इट। और नेचुरल प्रोसेस ही है कि आपका सोशल सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो दैट यू डोंट नीड टू एक्चुअली जस्ट गो to a school or a college or a university
मेयरली फॉर द सोशल एस्पेक्ट ऑफ इट. तो पहली चीज़ तो ये है जो हमें सोचनी चाहिए. और दूसरी बात जो मेरे जहन में आ रही थी, हैव यू एवर कम अक्रॉस अ सोशल सेटिंग जिसमें सारे लोग, एक सोशल सेटिंग में सारे लोग सेम एज, सेम सिमिलर स्टेटस और या सोशल बैकग्राउंड के हों, एक तरह के कपड़े पहनते हों, एक तरह के लगते हों. हैव यू एवर कम अक्रॉस अ सोशल सेटिंग इन द रियल वर्ल्ड ऑफ दिस टाइप? आई थिंक सारे सर हिला रहे होंगे और कहेंगे नहीं जी ऐसा तो कभी हमने नहीं देखा. शायद स्कूल ही वो एक ऐसी जगह है जिसमें बच्चे क्लास में जब होते हैं तो सिमिलर एज के होते हैं या सेम एज के होते हैं, यूनिफॉर्म पहना होगा, यूनिफॉर्म ना भी पहना हो तो बड़े सिमिलर, क्योंकि दे आर ऑफ स्टेटस, सिमिलर स्टेटस, या बिकॉज ऑफ द सोशल प्रॉब्लम ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेक्टेशंस जो उनकी फ्रेंड्स की है या स्कूल की है उनसे, दे ड्रेस अप सिमिलरली, they talk similarly, they talk about the same movies, same programs, same everything. So you are being exposed to a similar environment again and again and again. Lekin real world mein aise nahi hota. To wo jo ek monotony hai hamari exposure mein jo hame school mein milti hai, wo hamari growth ko improve nahi kar rahi hoti. Wo redundant hamari growth ko baqaida stunt kar deti hai. It stops us from growing as we would have in a natural setting. And what is a natural setting? आप किसी भी joint family system या multi generational family में चले जाएँ तो उसमें क्या होता है, छोटा बच्चा भी है, दादी भी हैं साथ, दादा जान भी हैं साथ, मामू भी हैं, चाचू भी हैं, different ages के लोग हैं, कोई family का दूर का relative आ जाता है वो different status का होएगा, different educational background के हैं, कोई professionals हैं, कोई businessmen हैं, फ़र्क तरह के कपड़े पहनते हैं, फ़र्क ज़बान बोलते हैं, कोई पंजाब से है, कोई कराची से है, शायद कोई बाहर से भी आया हो. तो ये जो है हमारे पास एक diversity exposure में मिलती है, this is the key to growth. इसी से तो हम grow करते हैं, we realize, oh अच्छा, समथिंग सो सिंपल एज एक लफ्ज़ को किस किस तरीके से प्रोनाउंस किया जा सकता है. नहीं तो स्कूल में अगर आपने एक लफ्ज़ गलत प्रोनाउंस कर दिया जो कि आपकी टीचर ने सिखाया वही जैसे बच्चे प्रोनाउंस करते हैं उनसे फ़र्क है, विषय कि वो भी एक्सेप्टेबल हो तो सारे आप पे हंसेंगे क्योंकि वो डाइवर्सिटी नहीं है. तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो वट आई वुड रादर से इस ना कि स्कूल हमें सोशलाइजिंग सिखा रहा है और सोशली हमें केपेबल कर रहा है, इट इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट, वो हमें सोशली पैरालाइज कर रहा है. आई केम अक्रॉस दिस दिस रियलाइजेशन ऑल्सो वन आई वॉज इन यूनिवर्सिटी. आई रिमेंबर थ्रू आउट स्कूलिंग तो वही सिमिलर सेटअप था. यूनिवर्सिटी में एक क्लास थी वेर आई वॉज सिटिंग एंड आई थिंक आई वॉज इन द थर्ड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी, तो उसको कहा जाता है जूनियर, जूनियर कंसिडर किए जाते हैं आप या लेबल किए जाते हैं. सो आई वॉज अ जूनियर. जो फ्रेशमैन होते हैं वो फर्स्ट ईयर के हैं, उसी क्लास में फ्रेशमैन भी थे, सॉफ्ट्स विच इज़ सेकेंड ईयर भी थे, सीनियर्स विच इज़ फोर्थ ईयर वो भी थे, मास्टर्स के भी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, PhD जो कर रहे हैं वो भी बैठे हुए थे, टीचर्स जो कोई और किसी और क्लास में किसी और सब्जेक्ट के टीचर्स हैं वो भी बैठे हुए थे. ये इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी एक क्लास में थी. एंड वट वॉज द बेनिफिट ऑफ इट, वो थ्रू आउट द लेक्चर वन वी आर आस्किंग क्वेश्चन एंड वी आर यू नो थिंकिंग आउट लाउड, अच्छा सर तो ऐसे कैसे होगा, ये कैसे है, वट यू ट्राइंग टू से दिस और दैट, उसमें बहुत फ़र्क तरह के डाइवर्स रेंज ऑफ ओपिनियंस और पर्सपेक्टिव्स आ रहे होते हैं. तो एक PhD जो वो अपने जहन से सोच रहा है, एक जो फ्रेशमैन है वो बहुत सिंपल बेसिक सवाल, जो आपने शायद बेसिक भी सवाल हम नहीं सोच पा रहे होते क्योंकि देयर सो मच दैट यू कैन इवन लर्न फ्रॉम अ किड, फ्रॉम समबडी यंगर देन यू, वो उस तरीके से सवाल पूछ रहे होंगे. और वो एक सेशन में आई रियलाइज्ड कितने पर्सपेक्टिव्स हैं टू वर्ड्स बींग सेट टू यू, टू वर्ड्स बींग टोल्ड एंड टॉट टू यू, जस्ट बाय द फैक्ट दैट पीपल जो ऑडियंस में बैठे हुए हैं, जो दूसरी साइड पर बैठे हुए हैं, जो सीख रहे हैं, वो उनकी क्या डाइवर्सिटी है उनके बैकग्राउंड की, उनकी एज की, उनकी एजुकेशन की, और उसके थ्रू लर्निंग कितनी ज़्यादा मैसिवली एक्सेलरेट कर जाती है, उसमें कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स होती हैं उस लर्निंग प्रोसेस में बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी इन द ऑडियंस. और मैं उस वक्त सोच रही थी कि वाई वॉज आई नॉट एक्सपोज टू दिस इन्वायरमेंट बिफोर. इवन दो वो यूनिवर्सिटी में एक मुझे ऐसा वाक्य याद पड़ता है जिसमें मैंने ये एक्सपीरियंस किया था. व्हेन आई एंटर्ड इनटू माय वर्क लाइफ, व्हेन आई बिकेम अ पार्ट ऑफ वेरिटा व्हिच इज़ द इंस्टीट्यूट दैट आई एम ऑल्सो वर्किंग इन, उसमें जो हमारी क्लासेज होती हैं उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज वाइज, बैकग्राउंड, जेंडर, नथिंग, रिलीजन,
कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो. एंड द मोस्ट दैट आई हैव लर्नड इज इन दोज क्लासेस. क्योंकि अगर एक कोई बैकग्राउंड से आ रहा है, फॉर इंस्टेंस कोई डाइवोर्सी है, उसका सवाल फ़र्क है. कोई न्यूली मैरिड है, उसका सवाल फ़र्क है. कोई टीनेजर है, उसका सवाल फ़र्क है. किसी ने अपनी ज़िंदगी गुजार किया, बुजुर्ग है, उसकी विजडम कोई और लेवल पे. और उस इन्वायरमेंट में आप जो सीखते हैं वो आप एक स्कूल का टिपिकल सेटअप में नहीं सीख सकते. तो अगेन आई थिंक दिस डिफीट्स द आर्ग्यूमेंट के स्कूल जो है वो आपको सोशलाइजिंग सिखाता है. अच्छा, एक और चीज़ जो है जो मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, व्हेन यू आर एक्सपोज टू पीपल ऑफ सिमिलर एज, तो आपकी ज़बान भी उसी तरीके से, आपकी कम्युनिकेशन जो है उसी तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाती है. अब आप स्कूल में हैं और आपके सारे फ्रेंड्स हैं जो आपके क्लास फेलोज हैं, सेम एज के हैं. अब आप फ्रेंड्स को क्या कहते हैं? फॉर इंस्टेंस समथिंग सो सिंपल एज यार, दैट्स अ टर्म दैट बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं दोस्त को पुकारने के लिए, दोस्त को लेबल करने के लिए, यार. अब वही बच्चा जब बड़ा होता है या बच्चा अपने घर में जाता है, उसको इतनी आदत पड़ चुकी हुई है एक सेम एज के इन्वायरमेंट में रहने की, कि वो यार 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 ट्रांसफ़र हो जाता है माँ बाप पे, मामू पे, खाला पे, चाचू पे, कोई मेहमान आते हैं उन पे, यहाँ तक कि दादा दादी पे. जब वो बड़े होंगे वो अपने बच्चों को भी यार कह रहे होंगे. आई हैव सीन दैट हैपनिंग. आई हैव सीन दोज फैमिलीज जिसमें ये डिस्टिंक्शन नहीं है कि आपने बड़े को कैसे बात करनी है. यू कैन नॉट कॉल हिम यार और तू और तुम. और आपने दोस्त से अगर आपने फ्रेंकली बात करनी है तो यू कैन यूज़ दीज टर्म्स एंड इट्स फाइन. देर इज़ नो डिस्टिंक्शन. अच्छा, अब मे बी बिकॉज इट्स समथिंग सो अनफॉर्चुनेटली आई वुड से इट हैज़ बिकम सो कॉमन इन आर कल्चर कि ये चीज़ शायद किसी के अभी कान ना खड़े हो रहे हो इस बात पर. लेकिन अगर आप अगेन बिहेवियर परस्पेक्टिव से देखें और इसमें आप थोड़ा सा डीपली अंदर जाएँ, तो आप सोचना शुरू करेंगे कि पहले तो उसने यार कह दिया तो क्या, एक लफ्ज़ ही है. ये पहली चीज़ जहन में आती है, स्पेशली इफ़ यू आर यूज्ड टू दिस. बट वट हैपन्स लेटर ऑन इज अगेन विद द सेम फैमिलीज, विद द सेम पीपल जिनको मैंने ऑब्जर्व किया है उनमें ये एक ट्रेट या उनमें ये एक आदत, एक हैबिट, वट हैपन्स इज लेटर ऑन दिस कंप्लेन, बच्चे तमीज़ से बात नहीं करते, बच्चों को बड़े छोटे की तमीज़ नहीं है, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, मेहमानों का ध्यान नहीं रखते जब मेहमान आए. How would they learn that if you never provided the environment? Will they distinguish how you're supposed to treat different relationships? And that's why when we get married to a friend, for instance, later on he becomes your husband or she becomes your wife, आप उसको उसी तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं. लेकिन वो रोल जो है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और मांगते हैं, वो कोई किसी और तरह की रिस्पेक्ट मांगते हैं. And that's where the clashes start coming. क्योंकि आप दोस्त को आराम से कहते तो, फॉर इंस्टेंस आपका कोई दोस्त है, आपको कहते हैं चलो चलते हैं किसी को मिलने, आपको नहीं यार दिल नहीं चाह रहा, दैट्स यू नो यू कैन सिंपली रिस्पॉन्ड लाइक दैट. आप इमेजिन इफ योर पेरेंट और योर हस्बैंड और योर वाइफ से यू नो आई वॉन्ट टू गो देर, नहीं यार दिल नहीं चाह रहा, दैट जस्ट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम, दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम. ये बहुत मैं ले मैन एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, बड़ी एक सिंपल सी एग्जाम्पल दे रही हूँ. ये बहुत चीज़ों में ट्रांसलेट होना शुरू हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स कॉज करती है ये छोटी सी चीज़, ये जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. तो मेरे हिसाब से ये आपको बिल्कुल सोशली डिसेबल कर देता है, ये इन्वायरमेंट जो आपको एक ही तरह के सोशल सेटिंग से एक्सपोज कर रहा है और उसका आदि बना रहा है. और आपको लगता है दुनिया भी ऐसी ही होगी, जब आप दुनिया में जाएंगे बाहर तो इट विल हैव द सेम एक्सपेक्टेशंस, सोशल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू. क्योंकि स्कूल में किसी ने माइंड नहीं किया कुछ आपकी बदतमीज़ी, तो शायद आप किसी फैमिली सेटिंग में भी चले जाएँ तो कोई किसी को माइंड नहीं करना चाहिए. लेकिन वो ऐसे नहीं होता, बहुत फ़र्क होता है वहाँ. आई एम अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ सोशल एक्सपोजर. आई थिंक के सोशलाइजिंग से बंदा बहुत ज़्यादा सीखता है. और मेरे हिसाब से होम स्कूलिंग में आप एक डाइवर्सिटी वो प्रेजेंट कर सकते हैं सोशल एक्सपोजर की, जो स्कूल बहुत लिमिटाइज कर देता है. यू कैन टेक देम टू ट्रिप्स, यू कैन शो देम द वर्ल्ड. क्योंकि आप यू आर नॉट बाउंडेड बाय स्कूल हॉलीडेज, स्कूल वेकेशंस, टेस्ट्स एंड एग्जाम्स एंड वट नॉट. आप उनको जहाँ भी जा रहे हैं, इवन आई strongly believe that it's so important कि आपका ज़रा सा बेटा बड़ा होता है, आप जो बाप हैं वो अपने बेटे को घर साथ काम पे लेकर जाना शुरू कर दें.
वो देखेगा अच्छा काम कैसे होता है. तो ऐसे नहीं होएगा कि यूनिवर्सिटी से वो निकलता है, दैट विल बी द फर्स्ट डे दैट दे सी एन ऑफिस एनवायरनमेंट एंड दे रियलाइज कि डिसिप्लिन क्या होता है, व्हाट्स पेशेंस, व्हाट्स डिसिप्लिन, व्हाट्स फोकस, व्हाट्स वर्क, व्हाट्स हार्ड वर्क. दैट शुड नॉट बी द फर्स्ट डे दैट दे सी दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड. Because that's the biggest side of the world, that's the biggest part of the world that they have to live through for their entire life. तो मेरे हिसाब से होम स्कूलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अलाउ करता है आपने अपने बच्चों को वो ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की, वो ऑप्शंस दिखाने की, वो अपॉर्चुनिटीज से बेनिफिट करने की जो स्कूल में नहीं आप कर सकते. You can take them to the grocery shop. You can show them how budgeting is done. You can take them to a restaurant and show them how fine dining is done. You can take them out for shopping and tell them how to negotiate and bargain. There's so much that you can do when you're in the real social setting. Aur mere hisab se isi wajah se ye bahut ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम सोशलाइजिंग को उस तरीके से समझें जैसे कि दुनिया में असल में की जाती है, ना कि जैसे कि स्कूल में दिखाई जाए. तो मेरे हिसाब से अगर आप वाकई में बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस चीज़ से कि आपका बच्चा जो है वो सोशली हैंडीकैप्ड रह जाएगा या सोशली वो एक्सपोजर नहीं ले सकेगा अगर वो स्कूल ना आप उसको भेजें, तो यू शुड थ्रो दैट वरी आउट ऑफ द डोर, आउट ऑफ द विंडो एंड नॉट बॉदर विद दिस एट ऑल, क्योंकि रादर यू आर चूजिंग द बेटर ऑल्टरनेट, विच इज़ के आप अपने बच्चे को वो सोशल एक्सपीरियंसेस दे सकेंगे जो स्कूल कभी नहीं दे सकता. थैंक यू.